दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। अगर आप हमारी पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि पृथ्वी का अपना उपग्रह है जिसे हम चांद, चंद्रमा या मून भी कहते हैं। वैसे तो चांद के बारे में हम जितना जानते हैं वो ये है कि चांद हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूरज से रोशनी सोखकर खुद को चमकदार बनाता है। इसके अलावा हमारे कवियों को अपनी प्रियतमा दिखाई देती है और बच्चों को अपने मामा। पर कभी आपने सोचा है ये चांद आया कहाँ से? ये प्राकृतिक है या किसी ने इसे बनाया है, या जैसा हम जानते हैं ये उससे कुछ और है? चलिए पता करते हैं। इंसान ने जब से चांद को देखा तब से उसके बारे में जानना चाहता है, और जब 1969 में अपोलो मिशन के जरिए चांद की असली और स्पष्ट तस्वीरें आने लगी तब चांद और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि तब तक जैसा हम चांद के बारे में सोचते थे या जानते थे ये उससे ज्यादा रोमांचक और रहस्यमय था। फिर वो दिन भी आया जब मानव इतिहास में पहली बार, यानी 16 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। तब पूरे विश्व को चांद के उस रहस्य के बारे में जानने की होड़ सी लग गई। लेकिन जो बातें सामने आईं उसमें ये था कि अपोलो स्पेसक्राफ्ट के चांद पर उतरते ही बहुत जोर से धातु से टकराने की आवाज आई थी, और दोनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन का संपर्क 2 मिनट के लिए धरती से टूट गया था। और इसी टूटी हुई 2 मिनट की ऑडियो क्लिप के डाटा एनालिसिस से जो बातें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। उन दोनों ने चांद पर उतरते ही वहां यूएफओ और एलियन के होने के निशान देखे थे, और ये सब देखकर दोनों ही बहुत घबरा गए थे। पर इन दोनों की बातों पर कभी यकीन नहीं किया गया। लेकिन जो तस्वीरें देखी गईं उसमें ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं कि चांद पे जाने वाले पहले कदम इंसान के तो नहीं थे, वहां हमसे भी पहले कोई था जिसने वहां बहुत कुछ निर्माण किया था, और वो भी हमसे कई साल पहले। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चांद का संबंध किसी बाहरी सभ्यता से हो जिसके जरिए वो हम पर लगातार निगरानी रखे हों? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये सच हो सकता है। अगर ऐसा है तो सबसे अहम सवाल ये है कि चांद को किसने बनाया और क्यों? मानव इतिहास के शुरुआत से ही इंसान की उत्पत्ति का कारण आसमान से आए देवताओं को माना गया है, और ये भी कि उन्हीं देवताओं ने हमें प्रकृति के नियम सिखाए और साथ ही हमें वो बनाया जो आज हम हैं, क्योंकि दुनिया की अधिकतर सभ्यताओं में ऐसा ही वर्णन किया गया है। उन्हीं देवताओं के ज्ञान से मनुष्य प्रजाति के उत्थान के लिए उस समय कुछ ऐसी भव्य संरचनाएं और पिरामिडों का निर्माण किया गया जो आज के आधुनिक यंत्रों से भी मुमकिन नहीं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी उन्नत प्रजाति के देवताओं ने चांद को भी बनाया हो और हमारे सौरमंडल में स्थापित किया हो जिससे धरती पर जीवन संभव हो सके? चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक विश्लेषण ये कहते हैं कि चांद किसी और जगह से आकर हमारे सौरमंडल में स्थापित हुआ होगा, या चांद पृथ्वी का ही कोई एक अंश है जो समय अंतराल में पृथ्वी से अलग होकर हमारे सौरमंडल में जा बसा। पर सही क्या है ये अब तक रहस्य है। 1970 में दो रशियन वैज्ञानिक मिखाइल वॉसन और अलेक्जेंडर ने एक प्रलेख प्रस्तुत किया जिसका नाम था इज द मून द क्रिएशन ऑफ एलियन इंटेलिजेंस। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमारे चांद को किसी एलियन सभ्यता ने बनाया है और हमारे सौरमंडल में स्थापित किया है, वो भी आज से करोड़ों वर्ष पहले। उन्होंने ये भी बताया कि चांद असल में अंदर से खोखला है, जिसे हॉलो मून थ्योरी कहा जाता है। इस बात को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई चीज अंतरिक्ष में खोखली हो, ये भौतिक नियमों के खिलाफ है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी पृथ्वी का ये उपग्रह भौतिक के सारे नियमों का पालन करता है? नहीं। और यही इस बात को पुख्ता करता है कि चांद असल में एक स्पेसशिप है। लेकिन जब इस मनगढ़ंत कहानी का विश्लेषण किया गया तो जांच में कुछ और ही मिला। पाया गया कि चांद की सतह महज 3.76 किलोमीटर की है, और चांद की सतह में जो धातुओं के नमूने मिले हैं उनमें क्रोमियम, टाइटेनियम और सिरकोनियम प्रमुख मात्रा में है। और ये बात हैरानी में डाल देते हैं, क्योंकि आज अंतरिक्ष भेजे जाने वाले किसी भी कृत्रिम उपग्रह की सतह पर इन्हीं धातुओं को लगाया जाता है ताकि वो
सौरमंडल के तापमान, कॉस्मिक किरणों और अन्य होने वाले प्रभावों से खुद को सुरक्षित रख सकें। ये एक इत्तेफाक है या कहानी कुछ और है, कहना मुश्किल है। लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार चांद एक अति विकसित कृत्रिम स्पेसशिप है जिसमें अति उन्नत मशीनें लगी हुई हैं और इसे छिपाए रखने के लिए बाहर से धातु की परत से ढाक दिया गया है, जिसे हम एक देवता यानी चंद्रदेव कहते हैं। वैसे आज के युग में जो अंतरिक्ष यान या मिसाइलें बनाई जाती हैं उनके भी नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली है कि क्या कोई एलियन सभ्यता हम पर दिन रात नजर रखे हुए है। इस बात की पुष्टि के लिए किए गए सघन जांच में कई वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी है, जिसे सुनकर इस थ्योरी पर यकीन होने लगता है। जैसे पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चांद की एक जैसी तस्वीर कैसे आ सकती है। चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ एकदम सटीक गोलाकार कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ये बात सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उपग्रहों से अलग है और ऐसा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर। और एक खास बात, चांद पृथ्वी और सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितना वो आकार में छोटा है। ये बात आप पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। चांद पूरी तरह सूर्य को ढाक लेता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल नाप कर चांद को वहां रख दिया हो ताकि वो पृथ्वी के चक्कर लगा सके। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है अगर चांद अपनी कक्षा से थोड़ा भी इधर उधर होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। तो क्या आपको भी लगता है कि चांद प्राकृतिक रूप में अनंत काल से सौरमंडल में स्थापित हैं, एवं जो हमारे वैदिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में चांद से पहले की कहानियां बताई गईं वो सच हैं, कि सृष्टि के निर्माण के समय चंद्रमा को बनाया गया और सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। या मेरी तरह आपको भी ये महसूस हो रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता या एलियन सभ्यता ने उसे वहां रखा है? क्योंकि आज जब हम मंगल ग्रह पर जीवन की बात करते हैं तो ऐसे ही किसी उपग्रह के जरिए जीवन को संभव करने की बात करते हैं, और कई देश जैसे चाइना उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो क्या ये सच हो सकता है कि चांद असल में एक स्पेसशिप हो जो हमारी जानकारी इकट्ठा कर रहा हो? और अगर ये बात सच है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि चांद पर अब भी एलियन हो, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ने वहां देखा था, जिस वजह से 1970 के बाद फिर कोई दोबारा चांद की सतह पर नहीं उतरा? आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।